Hello everyone and welcome to the lecture number 9 on operating system. Today we are going to cover problem based on priority based scheduling algorithm and round robin scheduling algorithm. So without wasting too much time, let's start today's session. Today we are going to learn next scheduling algorithm, that is priority based scheduling algorithm. So as the name suggests, priority. So the priority is assigned to each processes individually by the system itself. तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे तो डेफिनेटली जो क्राइटेरिया होगा इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का वो होगा प्रायोरिटी. तो जिसकी प्रायोरिटी हाई उसको पहले हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और जिसकी प्रायोरिटी लो उसे हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ हाउ वी विल डिसाइड कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी प्रायोरिटी लो है. तो यहाँ पे जो नंबर असाइन किए जाते हैं टू द प्रोसेसर बाय द सिस्टम वो नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 लाइक दिस. तो लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी. तो 1 का प्रायोरिटी हाई होगा देन 2, 2 का प्रायोरिटी हाई होगा देन 3, इट मीन्स 3 हैविंग अ लोअर प्रायोरिटी. लाइक दिस हम लोग इसकी प्रायोरिटीज को असाइन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट. अगर प्रॉब्लम के अंदर गिवन है कि हायर नंबर हैविंग हायर प्रायोरिटी, लोअर नंबर हैविंग लोअर प्रायोरिटी, तो उसी सिचुएशन में आपको वो कंसिडर करना है. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप इस पर्टिकुलर लॉजिक को लेके चलना है, लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी. सो 1 हैविंग हायर प्रायोरिटी देन 3. देन वी डिस्कस अबाउट मोड ऑफ ऑपरेशन. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, 1 इज नॉन प्रिमिटिव एंड अनदर इज प्रिमिटिव. सो दिस प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज वर्क इन बोथ primitive as well as non-primitive scheduling algorithm. Next, we try to solve the problem related with the priority based scheduling algorithm. For that, we are going to consider number of processes over here. So here we have P1 process, P2 process, P3 process, P4 process, then P5 process. Consider a burst time or the CPU time for this. So here 10, 1, 2, 1 and 5. Consider a priority. So the priority given in the problem is 3, 1, 4, 5 and 2 like this. Now we are going to solve this particular problem by using non-primitive mode of operation. So for that I am going to consider a ready queue over here. And then I am going to consider a Gantt chart. With the help of this, I am going to understand how the process is going to be executed in a CPU. So this Gantt chart is always start from 0. So consider a 0 arrival time. Now over here no arrival time is given, that's why I am going to consider arrival time same for all process. So by default it is 0. So when we talk about 0 millisecond, all the process is arrived in a ready queue at 0 millisecond. So I am going to consider P1 process whose execution time is 10, then consider P2 process whose execution time is 1, then P3 process execution time is 2, P4 process whose execution time is 1, then P5 process whose execution time is 5. साथ ही साथ हम लोग इसकी प्रायोरिटी को भी मेंशन कर लेते हैं. सो P1 प्रोसेस हैविंग अ 3 प्रायोरिटी, P2 हैविंग अ 1 प्रायोरिटी, P3 हैविंग अ 4 प्रायोरिटी, P4 हैविंग अ 5 प्रायोरिटी एंड P5 हैविंग अ 2nd प्रायोरिटी. नाउ ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा लोअर नंबर हैविंग हायर प्रायोरिटी, मतलब 1 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 यहाँ पे देख सकते हैं आप कि P2 की प्रायोरिटी सबसे हाई है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. सो आई एम गोइंग टू चूज फर्स्ट प्रोसेस दैट इज P2. इधर हम लोग P2 को चूज करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे फॉर 1 मिली सेकेंड. वाई? क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो एग्जीक्यूशन टाइम 1 मिली सेकेंड का है. देन आई एम गोइंग टू कंसिडर नेक्स्ट प्रोसेस विच हैविंग हायर प्रायोरिटी. तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 2 है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा यहाँ पे P5 हैविंग हायर प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चूज प्रोसेस P5 फॉर एग्जीक्यूशन एंड दिस प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 5 मिली सेकेंड. नाउ
we have three processes with us. One is P1, then P3, then P4. Then I am going to choose such a particular process which having a higher priority. So यहाँ पे आप देख सकते हो P1 having a higher priority. So हम लोग P1 को choose करेंगे और उसे execution के लिए लेंगे. Now it is going to execute for next 10 milliseconds. So it will execute up to 16. Now next we have only two processes in a ready queue. So इन दोनों को compare करेंगे तो P3 having a higher priority. That's why I am going to choose P3 for the execution. Now this P3 will execute for next 2 milliseconds, so it will execute up to 18. And at the last we have process P4 with us, so we pick karenge, and that process will execute only for next 1 millisecond, that is up to 19. In that way you will get a Gantt chart which represents in which sequence this process is going to be executed. Now next let's try to calculate the completion time, then turnaround time, then waiting time, and at the last calculate average turnaround time and average waiting time. So what is the completion time for P1 over here? So if you look at this particular Gantt chart, this P1 is going to be completed at 16 milliseconds. So 16 millisecond is the completion time for P1. What is the completion time for P2? If you look at this particular Gantt chart, here you will find P2 is executed or ended at 1 millisecond. Then what is the completion time for P3? Completion time for P3 is 18 millisecond. Then completion time for P4 is 19 millisecond. Then next completion time for P5 is 6 millisecond. Next we need to calculate the turnaround time, and the formula is very easy. Completion time minus arrival time. So CT minus AT will get a 16 minus 0 is 16. 1 minus 0 is 1. 18 minus 0 is 18. 19 minus 0 is 19. And 6 minus 0 is 6. Then next we calculate the waiting time. So formula for waiting time is turnaround time minus burst time. So turnaround time is 16 minus 10 is 6. 1 minus 1 is 0. 18 minus 2 is 16, 19 minus 1 is 18, and at the last 6 minus 5 is 1. So these are the waiting times. Now let's calculate average turnaround time. So addition of all turnaround time divided by number of processes. So here you will get 16 plus 1 plus 18 plus 19 plus 6 divided by 5, which is nothing but 17 plus 18 35, 35 plus 19 is 54, 54 plus 6 is 60 divided by 5, which is nothing but 12 milliseconds. Then let's calculate average waiting time, which is nothing but the addition of all waiting time divided by number of processes, that is 6 plus 0 plus 16 plus 18 plus 1 divided by 5, which is nothing but 6 plus 0 is 6 plus 22 plus 18 40 plus 1 41 divided by 5 8.2 millisecond. So this is the average waiting time for this particular priority based scheduling algorithm which works in a non-primitive mode. Now next let's try to solve the second problem related with the priority based scheduling algorithm in a primitive mode. So consider a number of processes over here. So here we have P1 process, P2 process, P3 process, P4 process, then P5 process. Consider burst time, that is 10, 1, 2, 1 and 5. Then consider priority over here. The priority are 3, 1, 4, 5, 2. Now I am going to change the arrival time of each processes, and let's check out how the processes is going to be scheduled by using priority based scheduling algorithm using primitive mode. So here I am going to assign arrival time 0, 1, 2, 3 and
4. To solve such kind of problem, we required a ready queue over here. साथ ही साथ हम लोग इसके लिए एक जैंट चार्ट मेंटेन करेंगे विच रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर नंबर ऑफ प्रोसेसेस. सो दिस जैंट चार्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो वी टॉक अबाउट जीरो मिली सेकेंड. तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जीरो मिली सेकेंड पे एक ही प्रोसेस है पी वन जो अराइव हो सकती है. तो हम लोग पी वन प्रोसेस को लेंगे और इसे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम लेंगे 10 का और इसकी प्रायोरिटी सेट होगी 3 की. नाउ एट 0 मिलीसेकंड वी डोंट हैव एनी प्रोसेसेस इन अ रेडी क्यू एक्सेप्ट P1. तो हमें P1 एक ही ऑप्शन है जिसे हमें एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू चूज P1 एंड इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 मिलीसेकंड. ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? 1 मिलीसेकंड तक. क्यों 1 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो 1 मिलीसेकंड पे अराइव हो रही है. तो हम जैसे ही 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि P2 प्रोसेस अराइव हो गई है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 1 और प्रायोरिटी भी है 1. और ये जो आपका P1 प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वापस रेडी क्यू में आएगा जिसका अभी रिमेनिंग टाइम होगा 9 मिलीसेकंड और प्रायोरिटी होगी 3. नाउ इफ यू कंपेयर दिस टू प्रोसेसेस देन यू विल फाइंड कि P2 प्रोसेस हैविंग हायर प्रायोरिटी. दैट्स व्हाई अब क्या करेंगे, हम लोग P2 प्रोसेस को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए देंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हमने 1 मिलीसेकंड पे स्टॉप किया. क्यों? क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस हमारे पास में अराइव हुआ था और हमने उसे सर्विस देना शुरू किया है जो हायर प्रायोरिटी पे. तो हमने P2 को एग्जीक्यूट किया. नाउ दिस विल एग्जीक्यूट अप टू 1 मिलीसेकंड. व्हाई? बिकॉज इट हैविंग ओनली 1 मिलीसेकंड ऑफ बर्स्ट टाइम और साथ ही साथ नेक्स्ट 1 मिलीसेकंड पे हमारे पास न्यू प्रोसेस अराइव हो रही है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक प्रोसेस है P3 जो अराइव हुआ है, हुज एग्जीक्यूशन टाइम इज 2 मिलीसेकंड एंड द प्रायोरिटी इज 4. नाउ वी हैव टू प्रोसेसेस एट 2 मिलीसेकंड. वन इज P1 एंड अनदर इज P3. इफ यू कंपेयर दिस टू प्रोसेसेस देन यू विल फाइंड कि P1 हैविंग हायर प्रायोरिटी. तो डेफिनेटली P1 को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे. नाउ इट विल एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 1 मिलीसेकंड. व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट 1 मिलीसेकंड के बाद में एक और प्रोसेस है P4 जो रेडी क्यू में अराइव होगा. तो हमें यहाँ पे लिखना है P4 हैविंग अ बर्स्ट टाइम ऑफ 4 एंड द प्रायोरिटी इज 5. साथ ही साथ ये P1 प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस भी रिटर्न आएगा इन टू द रेडी क्यू विद रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 8 मिलीसेकंड एंड द प्रायोरिटी इज 3. नाउ वी हैव 3 प्रोसेसेस विद अस एट 3 मिलीसेकंड. वन इज P3, अनदर इज P4 एंड अनदर इज P1. सो P1 हैविंग हायर प्रायोरिटी. इफ यू कंपेयर P3, P4 एंड P1 टूगेदर देन आई एम गोइंग टू चूज P1 प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन बिकॉज इट हैविंग अ हायर प्रायोरिटी. तो ये प्रिम्प्ट नहीं कर सकता है P1 प्रोसेस को. तो हम P1 प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 1 मिलीसेकंड ऑफ एग्जीक्यूशन. तो जैसे ही हम लोग 4 मिलीसेकंड पे जाएंगे तो आप देख सकते हो 4 मिलीसेकंड पे एक और प्रोसेस है P5 जो अराइव हुआ है. सो वी नीड टू कंसिडर P5. द एग्जीक्यूशन टाइम इज 5 मिलीसेकंड एंड द प्रायोरिटी इज 2. साथ ही साथ ये जो P1 प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस को हमें रेडी क्यू में रिटर्न लेके आना है विद रिमेनिंग टाइम ऑफ 7 मिलीसेकंड एंड प्रायोरिटी इज 3. नाउ वी हैव P3 प्रोसेस विद अस, वी हैव P4 प्रोसेस विद अस, P5 प्रोसेस एंड P1 प्रोसेस. नाउ वी नीड टू कंपेयर ऑल दिस प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया एंड द क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी. सो P3 की प्रायोरिटी है 4, P4 की प्रायोरिटी है 5, P5 की प्रायोरिटी है 2 और P1 की प्रायोरिटी है 3. सो अकॉर्डिंग टू दिस P5 हैविंग अ लोअर प्रायोरिटी. सो आई एम गोइंग टू चूज P5 फॉर द एग्जीक्यूशन. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो चुका है बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस. तो P5 कब तक एग्जीक्यूट होगा? P5 अब एग्जीक्यूट होगा टिल उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं होता है तब तक. क्यों? क्योंकि कोई नया प्रोसेस आएगा ही नहीं जो इसे डिस्टर्ब करेगा. और जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल P3 हो गया, P4 हो गया या फिर P1 हो गया, विच हैविंग अ लोअर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू P5, दैट्स वाई P5 को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है. सो इट विल एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 5 मिली सेकेंड, दैट इज अप टू 9. देन वी हैव P3 विथ अस,
P4 with us and P1 with us. तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसका प्रायोरिटी 4, इसका 3, इसका 2. सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी P1 हैविंग हायर प्रायोरिटी, तो इसे P1 को हम पिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे फॉर नेक्स्ट 7 मिलीसेकंड. सो इट विल एग्जीक्यूट अप टू 16. देन वी हैव टू प्रोसेसेस विद अस, वन इज P3 एंड अनदर इज P4. इसको कंपेयर करेंगे हम लोग तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, P3 की हाई है, तो P3 को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे. तो एग्जीक्यूट होगा P3 फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड, दैट इज अप टू 18. एंड सबसे लास्ट में P4 प्रोसेस को पिक करेंगे और इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे फॉर नेक्स्ट 1 मिलीसेकंड, दैट इज अप टू 19. सो इन दैट वे यू विल फाइंड योर जैंट चार्ट ओवर हियर. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम, वंस अगेन कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, देन नेक्स्ट कैलकुलेट वेटिंग टाइम. सो कंप्लीशन टाइम देख सकते हैं आप लोग, P1 प्रोसेस इज कंप्लीटेड एट 16 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे आएगा 16. P2 प्रोसेस इज कंप्लीटेड एट 2 मिलीसेकंड, सो यू नीड टू राइट 2 ओवर हियर. P3 इज एग्जीक्यूटेड एंड एंडेड अप टू 18 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे आएगा 18. देन P4 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो P4 ये एंड हुआ है एट 19 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे आएगा 19. और P5 की अगर हम बात करें तो P5 एंड एट 9 मिलीसेकंड, सो यहाँ पे आएगा 9. देन नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम. वंस अगेन टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट CT-80, दैट इज 16-0 इज 16, 2-1 इज 1, 18-2 इज 16, 19-3 इज 16 एंड 9-4 इज 5. नेक्स्ट वी कैलकुलेट WT, दैट इज वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस. सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, TAT-BT. सो 16-10 इज 6, 1-1 इज 0, 16-2 इज 14, 16-1 इज 15 एंड लास्टली 5-5 इज 0. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटिंग टाइम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम. सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल TAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो यहाँ पे आएगा 16+1+16+16+5 डिवाइड बाय 5, दैट इज नथिंग बट 16+16 32+16 48+1 49+5 54 डिवाइड बाय 5, 10.8 मिलीसेकंड. द नेक्स्ट इज एवरेज वेटिंग टाइम, विच इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल वेटिंग टाइम, दैट इज 6+0+14+15+0 डिवाइड बाय 5, विच इज नथिंग बट 35 डिवाइड बाय 5, दैट इज 6+14+20+15, 35 डिवाइड बाय 5, विच इज नथिंग बट 7 मिलीसेकंड. सो दिस इज नथिंग बट एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम using a primitive neural. Let's quickly talk about the problem related with the priority based scheduling algorithm, that is starvation. It is also called as infinite blocking. So what is infinite blocking? Suppose कीजिए कि आपके पास में एक process P1 है जिसकी priority है for example 1000. एंड ड्यूरिंग द टाइम लाइन ऑफ योर एग्जीक्यूशन जो भी प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो प्रोसेस हो सकता है P2 हो सकता है P3 हो सकता है P4 हो या फिर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. जितने भी आप प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हो वो सारे प्रोसेसेस हायर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस है एज कम्पेयर टू P1. तो क्या होगा, P2 को पहले एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, P1 वेटिंग में चला जाएगा. P3 को एग्जीक्यूशन मिलेगा, P1 वेटिंग में चला जाएगा. P4 को एग्जीक्यूशन मिलेगा, P1 वेटिंग में जाएगा. ऐसा कब तक होगा, ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक होगा. क्यों, क्योंकि जो भी प्रोसेस क्रिएट हो रही है वो प्रोसेस हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस क्रिएट हो रही है एज कम्पेयर टू P1. तो ऐसे सिचुएशन में P1 को एग्जीक्यूशन का कोई चांस मिलने वाला नहीं है.
तो ये सिचुएशन को हम कहते हैं स्टार्वेशन या फिर इनफाइनाइट ब्लॉकिंग। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं अनादर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की, वो है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड RR शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, एंड इट इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑन स्टार्वेशन। वी विल सी दिस इन डिटेल। This round robin scheduling algorithm, it is also called as first come first serve scheduling algorithm in a primitive mode. So definitely first come first serve scheduling algorithm है, इसका मतलब जो criteria है वो arrival time है, लेकिन यहाँ पे twist होता है। तो criteria जो होगा वो criteria definitely arrival time होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमें use करना है time quantum. तो व्हाट इज टाइम क्वांटम? टाइम क्वांटम ये एक ऐसा टाइम स्लाइस होता है जो आपके प्रॉब्लम के अंदर गिवन होता है, और आपको उसी टाइम क्वांटम बेस पे आपके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है। प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट होगा तो आपको और वो आइडिया क्लियर होती जाएगी, एंड द मोड ऑफ ऑपरेशन इज योर प्रिमिटिव मोड। Now this particular round robin scheduling algorithm execute all processes depend upon the time quantum. For example, अगर मैं time quantum यहाँ पे assign करूँ 2 milliseconds का, तो जो जो process newly create होते जाएगा वो process execute होता जाएगा for next 2 milliseconds. 2 milliseconds का execute करेगा, फिर end बाहर निकल आएगा, फिर next process आएगा वो 2 milliseconds का execution करेगा, फिर बाहर निकल आएगा। तो इससे क्या होता है, इससे स्टार्वेशन कवर अप होता है। कैसे कवर अप होता है कि कंसीडर करो कि आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है और उसके अलग अलग प्रायोरिटी है, दो इट हैविंग अ डिफरेंट प्रायोरिटी और दी हायर एंड लोअर प्रायोरिटी, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए लेंगे, 2 milliseconds के लिए एग्जीक्यूट करेंगे डिपेंड अपॉन द टाइम क्वांटम, फिर इसे बाहर निकालेंगे, फिर P2 प्रोसेस को चांस मिलेगा, फिर P3 को चांस मिलेगा, फिर P4 को चांस मिलेगा। इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं उनको इक्वल टाइम का चांस मिलेगा फॉर द एग्जीक्यूशन। जो उस पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे उनको हम एंड कर लेंगे, और जो बचेंगे उनको वापस से चांस मिलता है इस पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। तो इस तरह से आप स्टार्वेशन को कवर अप कर सकते हो या फिर स्टार्वेशन से आप बच सकते हो बाय यूजिंग अ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नाउ कंसिडर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस ओवर हियर, लेट्स से P1, P2 एंड P3. Then the arrival time of all processes are same, that is 0, 0, 0, means all the process is created at the same time and available in a ready queue. Then consider a burst time over here. Here we have a burst time 12 milliseconds, 3 milliseconds and 3 milliseconds for each processes. Now consider a time quantum for the given problem is 2 milliseconds. To solve this particular problem, I am going to maintain a ready queue as well as I am going to draw a Gantt chart for this. So this Gantt chart is start from 0 millisecond. When we talk about 0 millisecond, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी process create हुई है। तो आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे तीनों प्रोसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो आपके पास में P1 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 12 मिलीसेकंड, P2 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकंड, देन P3 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकंड। इट इज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड द अराइवल टाइम्स आर सेम। यहाँ पे टाई हो गया है, तो जनरली हम ऑर्डर वाइज सॉल्व करते हैं, तो P1 पहले, P2 बाद में, P3 उसके बाद में, तो हम लोग उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P1 प्रोसेस को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। तो
तो जैसे ही हम P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे तो ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड। क्यों 2 मिलीसेकंड? क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम हमारा गिवन है 2 मिलीसेकंड, इसीलिए ये प्रोसेस 2 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मिलीसेकंड इस प्रोसेस को हम लोग प्रिंट करेंगे, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन से बाहर निकालेंगे और वापस इसे रेडी क्यू में लेके आएंगे। तो जैसे ही ये प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल होगा तो इसका रिमेनिंग टाइम होगा 10 मिलीसेकंड। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल टाइम था 12 मिलीसेकंड का, आउट ऑफ बीच 2 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो रिमेनिंग टाइम बचेगा 10 मिलीसेकंड। फिर हमारे पास में नेक्स्ट प्रोसेस होगी P2, उस प्रोसेस को हम पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड। आफ्टर 2 मिलीसेकंड ऑफ एग्जीक्यूशन ये P2 प्रोसेस भी प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न बैक आएगी इनटू द रेडी क्यू और इसका रिमेनिंग टाइम होगा 1 मिलीसेकंड। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है P3, हम इसे पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी वंस अगेन फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मिलीसेकंड ये P3 प्रोसेस प्रिंट हो जाएगी और वापस अवेलेबल हो जाएगी इन टू द रेडी क्यू विद रिमेनिंग टाइम क्वांटम और रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम 1 मिलीसेकंड। नेक्स्ट हम लोग P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड, दैट इज अप टू 8 मिलीसेकंड। फिर से ये प्रोसेस प्रिंट हो जाएगी और रेडी क्यू में अवेलेबल हो जाएगी विद रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकंड। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस P2 विद अस, हम इसे पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे और ये एग्जीक्यूट होगी ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड। व्हाई? यहाँ पे टाइम क्वांटम तो 2 मिलीसेकंड था लेकिन हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड। द रीजन इज कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए जो बर्स्ट टाइम लग रहा है वो बर्स्ट टाइम है 1 मिलीसेकंड। तो इसका 1 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम है इसीलिए 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। दो द टाइम क्वांटम इज असाइंड 2 मिलीसेकंड, इट एग्जीक्यूट डिपेंड अपॉन द बर्स्ट टाइम विच इज लेस देन द टाइम क्वांटम, दैट्स व्हाई। अब नेक्स्ट प्रोसेस है P3, हम क्या करेंगे P3 प्रोसेस को पिक करेंगे और उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। नाउ दिस P3 विल एग्जीक्यूट ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड। वंस अगेन यहाँ पे भी टाइम क्वांटम 2 मिलीसेकंड है लेकिन बर्स्ट टाइम 1 मिलीसेकंड है तो ये 1 मिलीसेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट होगा। फिर बचा कौन? P1। अब इस P1 को डिस्टर्ब करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसके बाद में जो भी प्रोसेस आएगा वो P1 प्रोसेस ही होगा। तो हम इस P1 प्रोसेस को बारी बारी करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 2 मिलीसेकंड के लिए, P1 का रिमेनिंग टाइम बचा 6। फिर P1 को चूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P1 का टाइम बचा 4। फिर P1 को चूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P1 का टाइम बचा 2। फिर P1 को चूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगा और आपके रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन से बाहर निकल आएगा। सो इन दैट वे यू आर एबल टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेसेस बाय यूजिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम ओवर हियर, देन ट्राई टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम ओवर हियर एंड द वेटिंग टाइम ओवर हियर। सो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम फॉर P1? देन यू विल फाइंड 18 मिलीसेकंड इज द कंप्लीशन टाइम फॉर P1, देन कंप्लीशन टाइम फॉर P2, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर P2, देन P2 इज कंप्लीटेड एट 9 मिलीसेकंड, सिमिलरली P3 कंप्लीटेड एट 10 मिलीसेकंड। देन कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, CT माइनस 80, सो CT इज 18 माइनस 0 इज 18, 9 माइनस 0 इज 9, 10 माइनस 0 इज 10। Then waiting time, calculate waiting time, turnaround time minus burst time. So 18 minus 12 is 6, 9 minus 3 is 6, 10 minus 3 is 7. Now calculate average turnaround time, which is nothing but addition of all the processes divided by number of processes. Addition of all the turnaround time divided by number of processes. So 18 plus 9 plus 10 divided by 3, which is nothing but 10 plus
27 plus 9, 37 divided by 3. Then, 12.33 milliseconds. Then next is average waiting time, which is nothing but addition of all waiting time divided by number of processes, that is 6 plus 6 plus 7 divided by 3, which is nothing but 19 divided by 3. 8.33 millisecond. So this is nothing but the average waiting time and the average turnaround time for the round robin scheduling algorithm. Now next, let's try to solve another problem related with the round robin scheduling algorithm. So consider a number of processes over here, burst time of all the processes and arrival time of all the processes. Here we have P1 process, P2 process, P3 process, P4 process and P5 process with us. Then the burst times are 4 milliseconds, 6 milliseconds, 3 milliseconds, 6 milliseconds and 6 milliseconds, and arrival time is 0, 1, 3, 9 and 12 milliseconds. The time quantum given for this particular problem is 2 milliseconds. Now let's quickly design a ready queue over here and let's try to design a Gantt chart. This Gantt chart is start from 0 milliseconds. So when we talk about 0 millisecond, तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि P1 process है जो 0 millisecond पे create हुआ है, तो आपको P1 process लेना है जो 0 millisecond पे create हुआ है. No other process is there, तो हम P1 process को pick करेंगे और execution के लिए send करेंगे. So this P1 is execute for 2 millisecond. Why? Because the time quantum is 2 millisecond. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि after completion of 1 millisecond एक process है P2 जो create हुआ है, जो आपके ready queue में available हो जाएगा, तो P2 उसे execution time 6 millisecond, ये आपको पहले लिखना है. And after 2 millisecond we know कि ये P1 process print हो जाएगा, तो यहाँ पे ये P1 process return back आ जाएगा. तो देखिए पहले इसका execution time था 4 millisecond का और आपका total execution अभी तक complete हुआ है 2 millisecond का, तो जो रिमेनिंग टाइम बचा है P1 के लिए वो है 2 मिलीसेकंड. अब क्या करेंगे, अभी हमारे पास में दो प्रोसेस है, एक है P2 एक है P1. तो अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम ये है प्रोसेस जो पहले अराइव हुआ था, इसलिए P2 को पिक कर लिया. P2 एग्जीक्यूट होगा फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड, दैट इज अप टू 4 मिलीसेकंड. तो आप देख सकते हो कि आफ्टर 3 मिलीसेकंड एक प्रोसेस है P3 जो क्रिएट हो चुका है, जो हमारे रेडी क्यू के अंदर अवेलेबल होगा P3 having a execution time of 3 millisecond. And after a 4 millisecond this P2 process get printed and back into the ready queue. So aap yahan pe is process ko likhna hai P2 ko. Ab pehle dekhiye 6 millisecond is the total time, usme se 2 millisecond execution ho chuka hai, to bacha kitna time, yahan pe bacha iska 2 millisecond of time. Fir according to this particular first come first serve, to next process hai hamara P1, to hum P1 process ko pick karenge. Now I am going to execute this P1 for next 2 millisecond. तो आप देख सकते हो कि ये execute complete कर लेगा up to 6 millisecond. आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो next process है वो 9 millisecond पे आने वाला है, इसीलिए 6 millisecond पे कोई process arrived नहीं हुआ है और P1 ये complete हुआ है, इसलिए print होके वापस ready queue में नहीं back आएगा. Okay. Now next is your P3 process. तो हम P3 process को pick करेंगे और उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे. दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड, दैट इज अप टू 8 मिलीसेकंड. नेक्स्ट प्रोसेस तो 9 पे आने वाला है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं लिखेंगे, लेकिन ये P3 प्रोसेस प्रिंट बैक होके रेडी क्यू में आ जाएगा, तो हमें P3 प्रोसेस लिखना पड़ेगा. तो पहले देखिए 3 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन था, आउट ऑफ विच 2 मिलीसेकंड का कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग टाइम बचा कितना, 1 मिलीसेकंड का.
फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करेंगे, दैट इज योर पी टू. ये पी टू एग्जीक्यूट होगा अप टू नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड, दैट इज अप टू 10. तो आप देख सकते हो कि 9 पे एक प्रोसेस है जो पी फोर नाम का है, वो क्रिएट हो चुका है. तो ये पहले लिखा जाएगा और ये पी टू प्रोसेस प्रिंट बैक होके रेडी क्यू में आएगा. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पी टू. अब देखिए पहले 4 मिली सेकेंड था, आउट ऑफ विच 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूटेड, तो रिमेनिंग टाइम बचा कितना, तो 2 मिली सेकेंड का बचा. फिर सिक्वेंस में जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस है पी थ्री, इसको पिक करेंगे, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए, दैट इज अप टू 11. वाई? बिकॉज इसका रिमेनिंग टाइम था 1 मिली सेकेंड. दो वी हैव 2 मिली सेकेंड ऑफ टाइम क्वांटम, लेकिन इसका रिमेनिंग टाइम ही 1 मिली सेकेंड था, इसलिए ये कंप्लीट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट प्रोसेस है पी फोर, फिर हम इसे पिक करेंगे, इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे. नाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड, दैट इज अप टू 13. लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक प्रोसेस है पी फाइव जो 12 मिली सेकेंड पे क्रिएट हुआ है. तो हमें सबसे पहले पी फाइव को रेडी क्यू में कंसिडर करना पड़ेगा विद द टाइम क्वांटम, सॉरी विद द बर्स्ट टाइम 6 मिली सेकेंड. देन ये जो पी फोर प्रोसेस है ये प्रिंट होके वापस रेडी क्यू में आएगा. तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी फोर, पहले था 6 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन टाइम, अभी ये 2 मिली सेकेंड कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग टाइम बचा 4 मिली सेकेंड. फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करेंगे, दैट इज योर पी टू, दिस पी टू इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड, तो ये एग्जीक्यूट होगा अप टू 15. अब देखिए पी टू कंप्लीट हो जाएगा इसलिए ये बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रिंट होके रेडी क्यू में नहीं आने वाला. और देखिए 12 मिली सेकेंड के बाद में कोई दूसरा प्रोसेस क्रिएट भी नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला. नेक्स्ट प्रोसेस है पी फाइव, इसे हम पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, दिस प्रोसेस इज एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड. अब देखिए 17 पे कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं होने वाला है, लेकिन ये प्रिंट बैक हो जाएगा इन टू द रेडी क्यू. तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी फाइव विद रिमेनिंग टाइम ऑफ 4 मिली सेकेंड. देखिए 6 पहले था, 2 का कंप्लीट हो गया है, तो बचा 4 मिली सेकेंड. देन पी फोर को पिक करेंगे, इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड, दैट इज अप टू 90. फिर ये प्रिंट बैक हो जाएगा और बचा टाइम होगा 2 मिली सेकेंड का. फिर पी फाइव को पिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अप टू 21, ये प्रिंट बैक होगा, रिमेनिंग टाइम इज 2 मिली सेकेंड. फिर पी फोर को पिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अप टू 23. अब ये कंप्लीट हो गया तो ये प्रिंट बैक नहीं होगा, तो बचा कौन सिर्फ पी फाइव. तो पी फाइव को पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड, और ये एग्जीक्यूट करेगा 25, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी फ्रेम बैक नहीं करेगा. नाउ वी हैव नो प्रोसेसेस इन अ रेडी क्यू, इसका मतलब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम फॉर ऑल द प्रोसेसेस. सो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम फॉर पी वन. सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पी वन, this P1 is going to be execute or complete at 6 millisecond, तो यहाँ पे आएगा 6. P2 को अगर आप देखें तो P2 complete हुआ है at 15, तो ये हो गया 15 millisecond completion time. P3 को अगर आप देखें तो P3 complete हुआ है आपका 11 पे, तो 11 हो गया आपका completion time for P3. P4 को अगर हम consider करें तो P4 ended up on 23, तो ये हो गया 23 उसका completion time. Then P5 end हुआ है at 25, तो ये completion time हो गया P5 का. Next we are going to calculate turnaround time and waiting time for each process. So formula for turnaround time is simple: CT minus AT, 6 minus 0 is 6, 15 minus 1 is 14, 11 minus 3 is 8, 23 minus 9 is 14, and 25 minus 12 is 13. Then next calculate WT, that is formula for this, TAT minus BT, that 6 minus 4 is 2, then 14 minus 6 is 8, 8 minus 3 is 5, 14 minus 6 is 8, and 13 minus 6 is 7. Next we need to calculate average turnaround time, and that is nothing but 6 plus 14 plus 8 plus 14 plus
13 divided by number of processes, that is 5, which is nothing but 20, 28, 32, 42, 42 plus 13 is 55 divided by 5, which is nothing but 11 milliseconds. Then average waiting time is equals to 2 plus 8 plus 5 plus 8 plus 7 divided by 5, which is nothing but 2 plus 8 is 10 plus 5 15, 15 plus 8 is 23 plus 7 is 30 divided by 5 is nothing but 6 milliseconds. So this is all about the round robin scheduling algorithm. I hope you will understand problem based on priority based scheduling algorithm and round robin scheduling algorithm. For more video, please stay tuned with this channel. Thank you very much.